आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दोबारा चुनाव की तैयारी शुरू की। केजरीवाल के घर अहम बैठक। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया का बयान, कहा चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं, सरकार बनाने से इनकार। मनीष सिसोदिया ने कहा, जनता ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ दिया हमारा साथ, इसलिए निभाएंगे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका। कुछ देर में केजरीवाल के घर आपके विधायकों की बैठक, तय की जाएगी आगे की रणनीति। अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल के विपक्ष में बैठने के फैसले का किया स्वागत, कहा समर्थन लेने से केजरीवाल नहीं कर पाएंगे अपने मन से काम। किरण बेदी ने किया ट्वीट, कहा बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर सरकार बनाने की जिम्मेदारी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की कही बात, कहा केजरीवाल को मिलना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का मौका। केसी त्यागी ने कहा केजरीवाल को मिलना चाहिए एक साल का मौका, दिल्ली में जेडीयू के पास है एक विधायक। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान ने कहा अगर केजरीवाल कर रहे हैं सिद्धांतों की राजनीति तो दिल्ली में फिर से कराना चाहिए चुनाव। चेतन भगत का सुझाव, बीजेपी को बिना शर्त देना चाहिए आम आदमी पार्टी को समर्थन। नतीजों को लेकर नितिन गडकरी ने अपने घर पर बुलाई बैठक, हर्षवर्धन और विजय गोयल सहित कई नेता पहुंचे। नतीजों को लेकर नितिन गडकरी ने कहा जनता ने विपक्ष में बैठना का सुनाया है फरमान। गडकरी ने कहा अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की जनता को करना है फैसला। हर्षवर्धन ने कहा तोड़फोड़ की नहीं करती बीजेपी राजनीति, नहीं कर सकते सरकार बनाने की पहल। हर्षवर्धन ने कहा जनता को नहीं दिया पूरा बहुमत, संवैधानिक जानकार करेंगे दिल्ली का फैसला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल का बयान, हमने दरवाजे खुलने की उम्मीद की थी लेकिन हमारे सामने बंद है रास्ते। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने भी दी मोदी को सलाह, विधायकों की खरीद फरोख्त से बचे पार्टी। आरएसएस ने बीजेपी से कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर के बुलावे का इंतजार करें, साफ सुथरा बहुमत साबित करने की करें कोशिश, नहीं तो विपक्ष में बैठे बीजेपी। कल होगी दिल्ली के बीजेपी विधायकों की बैठक, आगे की रणनीति पर पार्टी लेगी फैसला। त्रिशंकु विधानसभा के बाद सबकी निगाहें उपराज्यपाल पर टिकी, चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बाद करेंगे फैसला। शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को दी चुनौती, कहा बनाएं सरकार और बिजली बिल आधा करके दिखाएं। केजरीवाल पर शीला का हमला, कहा गलत बयानी करके जुटाया समर्थन मुमकिन नहीं है बिजली बिल आधा कर पाना। दिल्ली के चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी और जेडीयू में छिड़ा जुबानी जंग, नीतीश और राजीव प्रताप रूडी के बीच बयानबाजी। नीतीश कुमार ने कहा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर थिरकने की जरूरत नहीं, मोदी की कहीं भी हवा नहीं। राजीव प्रताप रूडी और सुशील मोदी ने नीतीश को दिया जवाब, कहा जेडीयू के कई विधायक हैं हमारे संपर्क में। चुनाव नतीजों को लेकर शरद पवार ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कमजोर शासक को जनता नहीं करती पसंद। शरद पवार ने कहा युवाओं के गुस्से ने कांग्रेस को हराया, फैसला लेने में देरी के चलते दूसरी शक्तियों की ताकत बढ़ी। शरद पवार ने इंदिरा गांधी को किया याद, कहा उनके राज में नहीं पनप सके झोली वाला। शरद पवार ने ब्लॉग में लिखा एक तबका ऐसा भी जिसने सरकार से लिया फायदा और आम आदमी पार्टी को किया समर्थन। दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनाने के फैसले को पवार ने बताया सही, 4 से 5 महीने बाद दिल्ली में फिर से चुनाव की जताई आशंका। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ली चुटकी, कहा जो लोग ढो रहे थे कांग्रेस की नाकामियों का पिटारा, अब उन्हें भी आ रही है समझ। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने शरद पवार की बात को किया खारिज, कहा अगर नेतृत्व होगा कड़ा तो कहां जाएगा तानाशाह। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने पवार को दिया तीसरे मोर्चे में शामिल होने का न्योता, कहा सब जानते हैं मनमोहन है कमजोर प्रधानमंत्री। दिग्विजय सिंह का बयान, लोकसभा में कांग्रेस के पास राहुल गांधी ही एकमात्र विकल्प। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने पार्टी में चिंतन करने की कही बात, कहा नतीजों से लेना होगा सबक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा पार्टी को मिली हार से हुई निराशा, विरोधियों को जीत पर दी बधाई। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस ने जनता के इस संदेश को दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी सुना है। राहुल ने कहा कांग्रेस पार्टी में पूरी क्षमता आने वाले समय में मजबूती के साथ वापसी करेंगे। सोनिया की तरह राहुल ने भी दिल्ली में शीला के काम की तारीफ की, कहा शीला सरकार ने अच्छा काम किया। केजरीवाल की तारीफ में राहुल गांधी ने पढ़े कसीदे, कहा आम आदमी पार्टी की सियासत से सीख सकते हैं कई सबक।
अन्ना ने कहा अगर अरविंद केजरीवाल का करता प्रचार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते केजरीवाल, लेकिन राजनीतिक पार्टी का नहीं कर सकता सपोर्ट। जन लोकपाल के लिए कल से फिर अनशन करेंगे अन्ना, कहा सरकार ने दिया धोखा, दो साल बाद भी पास नहीं हुआ बिल। अन्ना ने कहा अनशन में अरविंद केजरीवाल का स्वागत लेकिन मंच पर नहीं बैठने देंगे। अन्ना ने बीजेपी पर भी बोला हमला, कहा बीजेपी जीती लेकिन वोटर अभी उसे लेकर नहीं है अलर्ट, जनता को जगाना होगा। किरण बेदी ने ट्विटर पर लिखा सोनिया और राहुल को अंदाजा हो गया है कि अगर वो नहीं बदले तो उन्हें जाना होगा। शेयर बाजार में मना बीजेपी की जीत का जश्न, सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड उछाल, 21,483 अंकों का नया उच्चतम रिकॉर्ड बनाया, बाद में 330 अंकों की उछाल के साथ हुआ बंद। निफ्टी ने भी बनाया ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड, 145 अंकों की उछाल के साथ खुला था निफ्टी, बाद में 104 अंक ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 29 शेयर साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे, निफ्टी के 19 शेयरों ने भी बनाया 52 हफ्तों का उच्चतम रिकॉर्ड। इस साल 1,00,000 करोड़ से ऊपर निकला विदेशी निवेशकों का आंकड़ा, पिछले साल हुआ था 1,28,360 करोड़ का निवेश। लोकसभा और राज्यसभा में बीएसपी का जोरदार हंगामा, बीएसपी सांसदों ने यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर यूपी सरकार को बीएसपी ने घेरा, अपनी मांग को लेकर वेल में घुसे थे बीएसपी सांसद। यूपी विधानसभा में बीएसपी विधायकों का हंगामा, चीनी मिलों और यूपी सरकार में मिली भगत का लगाया आरोप। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मांग, यूपी सरकार गन्ना किसानों को बकाया 2,400 करोड़ की रकम दिलाए। सीमांत के 6 सांसदों ने यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, राजगोपाल, अरुण कुमार, साई प्रताप के अलावा 3 और सांसदों ने दस्तखत किए। कर्नाटक जनता पार्टी के नेता येदियुरप्पा का बयान, मर्जर को लेकर आडवाणी को लिखी चिट्ठी, जवाब का इंतजार। येदियुरप्पा ने कहा राज्य के बीजेपी नेता चाहते हैं केजीपी का मर्जर, लेकिन केंद्रीय नेताओं के फैसले पर टिकी है निगाहें। येदियुरप्पा ने कहा जवाब मिलने के बाद ही मर्जर पर केजीपी लेगी फैसला, मोदी ने भी वापसी की जताई थी इच्छा। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता नहीं मनाएंगे जश्न। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जश्न नहीं मनाने के पीछे चुनाव में मिली हार वजह नहीं, नेल्सन मंडेला के निधन के कारण सोनिया नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। कांग्रेस ने शुरू की हार पर माथापच्ची, सोनिया के घर 10 जनपद पर बैठक जारी। 4 राज्यों के पार्टी अधिकारियों से रिपोर्ट ले रही है सोनिया, हार की वजहों पर माथापच्ची। बैठक में पार्टी के आला नेता भी मौजूद, अहमद पटेल और एके एंटनी ही कर रहे हैं चर्चा। पार्टी में बदलाव को लेकर भी होगी चर्चा, पार्टी पदाधिकारियों से बात करेगी कांग्रेस अध्यक्ष। 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली है शिकस्त, लेकिन मिजोरम में राहत की खबर। टूजी घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों को एक्सटेंशन नहीं देने का मामला आया सामने, वित्त मंत्रालय लगा रहा है अड़ंगा। वित्त मंत्री के रवैये से नाराज हैं अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह प्रोटेस्ट लीव पर गए। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों पर डाला जा रहा है दबाव, एसएल मैक्सिस केस को खत्म करने का दबाव। हाल ही में राजेश्वर सिंह ने कोयला घोटाले में दर्ज की थी 5 एफआईआर, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पूछताछ के लिए भेजा था नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ साफ दिया था निर्देश, बिना मंजूरी के बदले ना जाएं जांच अधिकारी। नारायण साईं की मुश्किलें बढ़ी, पत्नी जानकी ने खोले कई राज। सूरत पुलिस के सामने पेश हुई जानकी, क्राइम ब्रांच ने आधे घंटे तक की पूछताछ। पूछताछ में सूरत रेप केस की पीड़ित को जानकी ने पहचाना, दोनों गुजरात के गंभोई आश्रम में रह चुकी हैं साथ। जानकी के वकील ने कहा नारायण साईं है गुनहगार, मीडिया में उसके गुनाहों की खबरों में है सच्चाई। क्राइम ब्रांच के बाद सूरत पुलिस ने भी की जानकी से पूछताछ, नारायण के खिलाफ अहम गवाह बन सकती है जानकी। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के सहयोगियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई, जमुना, भाविका और मोनिका अग्रवाल की है पुलिस को तलाश।
अहमदाबाद आश्रम के मैनेजर कौशिक वाणी की भी पुलिस को है तलाश, नोटिस पर नहीं हाजिर हो रहा है कौशिक। सूरत पुलिस कमिश्नर का दावा, कई बिल्डरों की कंपनियों में आसाराम और नारायण साईं ने किया निवेश। कई ट्रेडर्स ग्रुप में भी आसाराम और नारायण ने लगाया है पैसा, पुलिस खंगाल रही है सबूत। सूरत पुलिस की रिमांड में है नारायण साईं, क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। अभिनेता संजय दत्त के पैरोल पर फंसा पेज, परिवार से कोई नहीं पहुंचा येरवडा जेल, नहीं पूरी हुई रिहाई की प्रक्रिया। पैरोल को लेकर उठा था विवाद, पत्नी मान्यता दत्त की बीमारी का हवाला देकर मांगा था पैरोल, लेकिन कई संगठनों ने किया विरोध। मान्यता की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया लिवर में ट्यूमर, लेकिन तीन दिन पहले एक पार्टी में दिखी थी मान्यता। विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार का बयान, पूरे मामले की होगी जांच। यूपी के बलिया में घाघरा नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 6 महिलाएं शामिल। दक्षिण अफ्रीका में भारत ने कटाई नाक, दूसरा वनडे जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने किया सीरीज पर कब्जा। दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया की शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने 134 रनों से दी करारी शिकस्त। डर्बन में टीम इंडिया के सामने जीत के लिए था 281 रनों का लक्ष्य, धोनी की सेना 35 ओवर में 146 रन बनाकर ढेर। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे फिर असहाय दिखे दिग्गज बल्लेबाज, 5 बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच सके। टीम इंडिया की एक बार फिर खराब शुरुआत, 74 रन पर आधी टीम लौट चुकी थी पवेलियन। भारत की ओर से सुरेश रैना ने बनाए सबसे ज्यादा 36 रन, जडेजा ने 26 और कप्तान धोनी ने 19 रन बनाए। रोहित शर्मा 19 रन बनाकर लौटे पवेलियन, शिखर धवन और विराट कोहली बगैर खाता खोले आउट। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 49 ओवर में 6 विकेट पर बनाए 280 रन, डिकॉक और हाशिम अमला ने ठोकी सेंचुरी। हार के बाद बल्लेबाजों पर बिफरे कप्तान धोनी, कहा हमारे बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेलकर गंवाए विकेट। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी वनडे 11 दिसंबर को सेंचुरियन में, टीम इंडिया के सामने लाज बचाने की चुनौती। सलमान के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर किंग खान नहीं कर रहे कोई पहल, हेल्थ मैगजीन के उद्घाटन में नहीं लिया सलमान का नाम। शाहरुख ने सलमान के अलावा कई अभिनेताओं का लिया नाम, आमिर खान की जमकर की तारीफ। अंतिम समय में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं थे मंडेला, मंडेला के दोस्त ने किया खुलासा। नेल्सन मंडेला के लिए चर्च में प्रार्थना, दक्षिण अफ्रीका में चर्च को बचाने के लिए मंडेला के योगदान को लोगों ने किया याद। यूक्रेन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, राष्ट्रपति विक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी।